सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती आप लोग अच्छे हो गए। आप लोग की दुआ से मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। अभी सुबह का टाइम है, यानी कि बज रही है चार बज के 10 मिनट हो गए। मैं उठी थी 4 बजे बनाने के लिए सहरी। तो सहरी में क्या बना रही हूँ आप लोगों को मैं बता दूँगी, और कोशिश करूँगी आप लोग को थोड़ा बहुत ब्लॉग बना, यानी कि मैं थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूँगी, बस ये कहने का मतलब है। तो आप लोग को मैं टाइम बता देती। ये देखिए 4:10 हो रहे और यहाँ सब बच्चे लोग सो रहे हैं, सिर्फ मैं उठी हूँ और सभा उठी है, क्योंकि सभा ने बोली थी अम्मी तुम उठेंगी तो उठा देना। तो मैंने इसको उठा दी और वो यहाँ पे खड़ी है, और मैं बनाने जा रही हूँ पराठा और अंडा। तो वैसे तो मैंने बोली थी बच्चे लोग को कुछ और भी मंगा लूँ, तो इन लोगों ने बोले थे अम्मी सिर्फ पराठे बना लेना, तो मैंने पराठे और अंडे बना लेती हूँ। और रात को मैंने बनाई थी, क्या बनाई थी सभा, अंडे का सालन बनाई थी। अगर खाएंगी तो वो भी ले लूँगी, मगर मुझे पता है मेरे बच्चे सहरी में बहुत कम खाते हैं, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट उठ के बहुत कम खाते हैं, मुझे पता है। और मैं बनाऊँगी अंडा और मतलब चाय बना लूँगी, अंडे बना लूँगी और पराठे बना लूँगी। और अगर लगेगा तो अब बैदी का सालन ले आऊँगी, नहीं तो ये लोग इतने खा ले तो गनीमत है, नहीं तो वो भी नहीं खाते वो लोग। और बाहर से सोची थी कुछ मंगा लूँ, लेकिन उन लोग ने मना कर दिए थे। तो चलिए मैं फटाफट बना लेती हूँ, उसके बाद मैं बच्चे लोग को उठा दूँगी। 4:30 बजे तक मेरा इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि मैंने जस्ट आटा वाटा गूंथ के रख ली हूँ, सब कुछ रेडी कर ली हूँ, अब मैं बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सोची कि आज मैं अपना ब्लॉग यहाँ से चालू कर देती हूँ, क्योंकि पहली सहरी है। सबसे पहले मैंने बोलना भूल गई कि आप लोग को पहली सहरी मुबारक हो, और क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं ना, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ये सब बता रही हूँ, इसके लिए बता रही हूँ मैं थोड़ा, यानी कि आप लोग को पहले रोज़े की पहली सहरी मुबारक हो, और आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। और चलिए फिर बताती हूँ मैं आगे आगे क्या है। ये देखिए यहाँ पे सभा भी खड़ी हो गई है, और सभा उठी है, बनाने जा रही है चाय। बोले अम्मी एक काम करो, तुम पराठे की तैयारी करो और मैं बना रही हूँ चाय। और चाय सभा बहुत अच्छी बनाती है, इसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट में इसको दे रही, ये बनाएगी। तो चलिए फिर मैं फटाफट हम लोग काम करते हैं, फिर मिलते हैं सहरी के टाइम पे। तो यहाँ पे सभा चाय चढ़ाने के लिए आ गई है, और सभा बहुत अच्छी चाय बनाती है, जैसा कि मैं आप लोग को बता रही थी। और ये मैंने नहीं सिखाई हूँ, लेकिन वो अपने आप ही सीख गए। उसको घर का काम बहुत अच्छा लगता है, यानी कि जैसे कि छोटी मोटी कुकिंग कर लेती है, चाय वगैरह बना लेती है, और भी काम कर लेती है। और जितनी काम करने में अच्छी, उतनी पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लेकिन मैं उसके मुँह पर तारीफ़ नहीं करती हूँ, नहीं तो वो सर पर चढ़ जाएगी। हाँ, मगर अच्छा करती है काम, आप देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, मैंने उसे सिखाई नहीं हूँ, वो खुद ही सीखी है। तो बस अच्छी बात है ना, अपनी बेटी को सिखाने की भी ज़रूरत नहीं, वो खुद सीख गई तो और अच्छी बात है। वैसे बच्चे लोग को हमेशा सिखाना चाहिए, क्योंकि वक्त ज़रूरत के टाइम खुद अपना काम कर सके। लेकिन मेरे घर में सभी बच्चे अच्छे हैं, ऐसे नहीं है कि हम लोग नहीं करेंगे, अपने छोटे बड़े सब अपना काम खुद कर लेते हैं। तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे लोग को ये सब सिखाना चाहिए। तो यहाँ पे सब आप देख सकते हैं, माशाल्लाह कितने अच्छे से पराठे तैयार कर रही है, और उसे ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है, ख़ास करके अपने भाई लोग के लिए। वो अपने भाई लोग को बहुत चाहती है, इसके लिए अपने भाई लोग के लिए बहुत शौक से काम करती है। और यहाँ पे पराठे मेरे बन गए थे, तो मैं यहाँ आ गई थी अंडा बनाने के लिए। तो सभा बोल रही थी अम्मी तुम बना लो, मैं अपने हाथ से अपने वाला बना लूँगी। तो बोली ठीक है। तो यहाँ पे मेरे लड़के लोग को मेरे हाथ का ही पसंद आता है, तो मैं यहाँ पर वो लोग के लिए आमलेट बना रही थी, यानी अंडा बना रही थी। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ी सी हरी धनिया भी ऐड कर दी हूँ, क्योंकि उसको बहुत पसंद है ऐसा। तो बस यहाँ पे मैं दो दो अंडे का ही बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे क्या खाते और क्या नहीं खाते। वो लोग बहुत चूजी है, बहुत कम खाते हैं वो लोग खाना वाना, और ख़ास करके सहरी वगैरह में तो बहुत कम। अभी मैं इसको खिलाने के लिए मुझे बहुत जतन करना पड़ेगा, यानी कि उन लोग के पीछे पड़ना पड़ेगा, तब वो लोग खाएंगे, वरना वो लोग नहीं खाएंगे। और यहाँ सब अपने लिए अंडा तल रही थी, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे से बना रही। और ये वाला मुझे बिल्कुल नहीं आता बनाने, तो यहाँ मैं सब प्लेट लगा रही थी, मेरे लड़के लोग के लिए, मेरे बड़े वाले के लिए, फिर शाहिद के लिए, यानी शाहरुख के लिए, शाहिद के लिए, सभा के लिए, मेरे लिए और सोहेल के लिए। जैसे कि आपको पता है हम लोग ही रोज़ा रख रहे हैं, सैफ नहीं रख रहा, क्योंकि सैफ की दवा चालू है, बाकी हम सब रोज़ा थे। और ये टाइम हो गया है अफ्तार का, तो आप लोग को अफ्तार की भी मैं रेसिपी थोड़ी सी बता रही हूँ।
तो बस यहाँ पे अफ्तार का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ फटाफट अपनी भजिया बनाने चालू कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बटाटे की और कांदे की बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर ये लोग ये अगर भजिया ज़्यादा खा लेते हैं तो फिर ये लोग खाना नहीं खाएंगे, और खाना फिर क्या है सहरी में भी नहीं खाएंगे कुछ भी, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बटर बना ली हूँ बटाटे के लिए, जो मेरे को बटाटे की भजिया बनानी है, और अब बना रही हूँ कांदे की भजिया का। तो मैं इसमें जैसे बेसन है और नमक है, हल्दी, धनिया, मिर्ची, थोड़ा सा गरम मसाला, ये सब ऐड करती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ऐड करती हूँ, और बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना। वैसे तो मैं मेरे को जैसा मन होता है मैं वैसे ही बनाती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी तरह बनाऊँ, जैसा मेरा दिल बोलता है मैं वैसा बना लेती हूँ, और माशाल्लाह अच्छी बनती है। और यहाँ मेरा कढ़ाई में तेल गरम हो गया था, क्योंकि सोहेल ने पहले से ही कढ़ाई गरम करने रख दिया था, और यहाँ तेल गरम हो गया, तो मैं फटाफट भजिया बना ले रही, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका था और मेरे पास सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का टाइम था। तो मैं यहाँ अपनी फटाफट भजिया लिखा दी, और जैसे कि आप लोग को पता है वीडियो बनाने के लिए जब भी वीडियो बनाओ तो टाइम हम लोग को कुछ ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ सबा फटाफट अपना फ्रूट काटने बैठ गई, बोली अम्मी तुम भजिया तैयार कर लो, मैं यहाँ फ्रूट बना ली। तो वैसे तो ये है ना फ्रूट व्रूट काटने का ना, मेरे लड़का बहुत अच्छे से करता था, यानी शाहिद को बहुत पसंद है, शाहिद हर रमज़ान में वो करता है, लेकिन अभी वो काम पे है इसके लिए वो नहीं कर रहा है, वरना वो हमेशा फ्रूट वगैरह वही काटता है, और अभी सभा काट रही है। चलिए कोई बात नहीं, काम भी तो ज़रूरी, काम रहेगा तो सब कुछ है। तो बच्चे मेरे काम पे हैं, और मैंने बोली थी अगर आ सकते हो तो तुम लोग आ जाना रोज़ा खोले, अभी दूर है तो नहीं आ पाएंगे, और आना चाहे तो आ भी सकते हैं, देखिए देखते आते हैं कि नहीं आते। तो यहाँ सभा अभी फ्रूट तैयार कर लेती है, और यहाँ पे सोहेल बैठ के वीडियो भी बना रहा है, तो सभा उसको बड़बड़ कर रही थी, देख सोहेल अच्छे से बनाना, क्योंकि एक तो वो रोज़ा थी, ऊपर से ये सता रहा था, तो वो बहुत परेशान हो रही थी, बोले अम्मी देखो ये सही से नहीं बना रहा है, देखो ये, तो मैं उसको चिल्ला रही थी बेटा सही से कर ले, थोड़ा हेल्प कर ले उसकी, नहीं तो वो खुद ही बना लेती, लेकिन अभी वो मेरी हेल्प कर रही थी इसके लिए वो वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो सोहेल फिर सही से बनाने लगा, और यहाँ मेरी कांदे की भजिया तैयार हो गई थी, तो अब मैं जा रही हूँ बटाटे की भजिया बनाने, और मुझे ये भी लग रहा था कि कहीं मैं देर ना हो जाऊँ, क्योंकि बिल्कुल अजान का टाइम करीब आते जा रहा था, और मैं फटाफट भजिया तैयार करने में लगी हुई थी। तो सोहेल बोल रहा था अम्मी जल्दी करो, सिर्फ 10 मिनट रह गए, तो मैंने हाँ बेटा मैं कर ही रही हूँ। तो बस यहाँ पे छोटी सी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, वैसे तो हर कोई करते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये रमज़ान जब आता है ना, तो मुझे ये बच्चों के लिए ये सब अफ्तारी तैयार करना, सहरी तैयार करना मुझे बहुत पसंद है, और मैं तो अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमेशा हर साल मैं इसी तरह अपने बच्चों लोग के लिए पकाते रहूँ, खाते रहे बच्चे, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम लोग सब नीचे ही आ गए थे, क्योंकि हमारा सैप नीचे था, तो हम लोग को नीचे ही रोज़ा खोलना पड़ रहा, जैसे कि जगह बहुत छोटी है लेकिन करना पड़ रहा। और यहाँ बाजू में मेरा बेटा आ गया था शाहिद, तो वो